दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने पर खाप की महापंचायत, सुनाया सरकार से अलग फरमान। वहीं अयोध्या में बीजेपी ने लगवाए रामलला के होर्डिंग, सपा ने मचाया कोहराम। वहीं ओमिक्रोन से खतरे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी, 5 चुनावी राज्यों में रैलियों पर रोक की मांग। वहीं चुनाव से पहले किसानों के लिए बड़ा तोहफा, 2 लाख रुपए तक का कर्जा किया गया माफ। वहीं अखिलेश यादव के करीबी इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पर आईटी का छापा, ना मिला कैश कि नोट गिनने के लिए मंगानी पड़ी मशीन। वहीं यूपी के युवाओं को फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट के साथ में मिलेगी मुफ्त पढ़ाई। वहीं बीजेपी ने जयंत चौधरी, अखिलेश यादव, मायावती और प्रियंका गांधी को दिया बड़ा झटका, ये दिग्गज नेता भाजपा में हुए शामिल। वहीं केंद्रीय मंत्री ने किया यूपी में अमेरिका जैसी सड़कों का वादा। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने पर खाप की महापंचायत, सुनाया सरकार से अलग फरमान। ये आपको बता दें कि देश में लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने के केंद्र सरकार की ओर से पेश बिल के बीच हरियाणा की खाप पंचायत ने सर्वसम्मति से कहा कि कोर्ट में शादी के लिए लड़कियों की उम्र 21 साल होनी चाहिए, लेकिन माता पिता की सहमति से 18 साल की उम्र में भी शादी मान्य होनी चाहिए। हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन के मुद्दे पर हरियाणा के जींद में खाप महापंचायत का आयोजन किया गया था। इसमें हरियाणा की खाप पंचायतों ने हिस्सा लिया। इस महापंचायत में 2 मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें एक गांव और गोत्र में विवाह पर पाबंदी और लड़की की शादी की उम्र 18 साल से 21 साल किए जाने संबंधी बिल शामिल हैं। आपको बता दें कि इस महापंचायत में खाप पंचायतों के प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि एक गांव और एक गोत्र में शादी पर कानूनी रोक लगाई जाए। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार की तरफ से लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने के फैसले से खाप पंचायतों को दिक्कत नहीं है, मगर उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि अगर माता पिता अपनी बेटी की शादी जरूरी होने पर 18 साल की उम्र में करना चाहें तो इसके लिए उन्हें अनुमति होनी चाहिए। खाप पंचायत के अनुसार 6 घंटे तक चली महापंचायत में यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन करके एक गांव और एक गोत्र में शादी पर कानूनी रोक लगाई जाए, महापंचायत में एक गोत्र के लड़के और लड़की की शादी को अमान्य करार दिया जाए। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़कियों से शादी की उम्र के निर्धारण के लिए उनकी राय जानी जाएगी और उनकी जो राय होगी उसे महत्व दिया जाएगा। यदि आप भी खाप पंचायतों की राय से सहमत हैं तो अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, अयोध्या में बीजेपी ने लगवाए रामलला के होर्डिंग, सपा ने मचा दिया कोहराम। यह आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले अयोध्या में लगी राम मंदिर की होर्डिंग ने सियासत में भूचाल ला दिया है। भाजपा सरकार की ओर से लगे बैनर में लिखा है, फर्क साफ है, तब रामलला थे टेंट में, अब हो रहा भव्य मंदिर का निर्माण। इसमें एक तरफ तिरपाल में विराजमान रामलला तो दूसरी ओर राम मंदिर के मॉडल को दर्शाया गया है। कई जगह लगी ये होर्डिंग अब चर्चा का विषय बन गई है। इसने पूरे राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने जहां इसे अपनी उपलब्धि बताने का प्रयास किया तो कई विपक्षी दल सपा और कांग्रेस इसे लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। भाजपा इसमें कुछ भी गलत मानने को तैयार नहीं है। भाजपा सरकार की ओर से ये होर्डिंग कई जगहों पर लगाए गए हैं। ये होर्डिंग राम जन्मभूमि के गेट नंबर 3 पर भी लगाया गया है। यहीं से कुछ दूरी पर बाबरी पक्षकार रहे इकबाल अंसारी का भी घर है। इसी तरीके की होर्डिंग शहर के अन्य कई स्थानों पर लगी हुई है। होर्डिंग में सबसे ऊपर लिखा है, फर्क साफ है, और सबसे नीचे भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल का फूल बना है। इसी तरीके से होर्डिंग के निचले हिस्से में सोच ईमानदार, काम दमदार और एक बार भाजपा सरकार लिखा हुआ है। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष गंगा सिंह यादव का कहना है कि रामलला को टेंट पर पहुंचाने का काम किसने किया, ये सभी जानते हैं। अगर ये लोग 6 दिसंबर को विवादित ढांचे को ना तोड़ तो शायद ये टेंट पर ना आते। ये लोग सुप्रीम कोर्ट के काम को भी अपना बता रहे हैं। राम मंदिर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर बन रहा है, इसमें भाजपा की कोई भी उपलब्धि नहीं है। रही बात अयोध्या के विकास की, तो सारा काम सब समाजवादी शासन में हुआ है, चाहे ओवर ब्रिज का काम हो या 14 कोसी परिक्रमा स्थल का चौड़ीकरण हो, ये सब सपा की सरकार ने किया है। भाजपा शासन काल में रोज जमीन के घोटाले सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि इसके अलावा भाजपा के महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा ने कहा कि विपक्षियों का काम सिर्फ आरोप लगाना है, हमारी जो होर्डिंग लगी है उससे दिख रहा है कि फर्क साफ है, रामलला टेंट में थे, आज उनका भव्य मंदिर बंदा है, यही फर्क साफ है। जब हम फर्क जनता को दिखा रहे हैं तो विपक्षी बौखला गए हैं, पिछली सरकारों से हमारा काम बेहतर हुआ है।
और ये बड़ी खबर, ओमिक्रोन से खतरे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी, 5 चुनावी राज्यों में रैलियों पर रोक लगाने की मांग। ये आपको बता दें कि ओमिक्रोन के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर हो रही राजनीतिक रैलियों पर रोक लगाने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके राज्यों में हो रही राजनीतिक रैलियों पर रोक लगाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके चुनाव आयोग को ये निर्देश देने की मांग की गई है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों को डिजिटल रैली को लेकर आदेश जारी करें। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके ये भी कहा गया है कि चुनाव आयोग का राजनीतिक रैलियों को लेकर जो आदेश दिया गया है उसका पालन नहीं हो रहा। वकील विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल की है। गौरतलब है कि देश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर का खतरा लगातार मंडरा रहा है। नए वेरियंट को लेकर देश भर में अलर्ट है। दिल्ली सहित कई राज्यों में पाबंदियां भी लगा दी गई है। इन सबके बीच यूपी सहित 5 राज्यों में जल्द ही विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी पीएम नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग से यूपी चुनाव टालने और रैलियों पर रोक लगाने की भी अपील की है। इसके अलावा अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। और भी बड़ी खबर, अखिलेश यादव के करीबी इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पर आईटी का छापा, इतना मिला कैश की नोट गिनने के लिए मंगानी पड़ी मशीन। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर इनकम टैक्स की बड़ी छापेमारी हुई है। कानपुर में इत्र के बड़े कारोबारी और अखिलेश यादव के करीबी पीयूष जैन के यहाँ पर छापा पड़ा है। इस रेड में इतने नोट मिले कि लोगों के होश उड़ गए। इनकम टैक्स को अब तक करीब 160 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति की जानकारी मिली है। छापेमारी में अब तक 100 करोड़ से ज्यादा कैश मिला है। नोटों की गिनती लगातार चल रही है। आयकर की टीम ने SBI की 4 मशीनों से नोटों की गिनती की। नोटों को ले जाने के लिए 25 बॉक्स मंगाए गए। बता दें कि कल रात से ही यूपी और मुंबई के 6 ठिकानों पर यह कार्यवाही की गई है। इत्र कारोबारी पीयूष जैन की कंपनी ने पिछले महीने समाजवादी इत्र को लॉन्च किया था। खुद अखिलेश यादव ने सपा दफ्तर में इसे लॉन्च किया था। कानपुर के आनंदपुरी कॉलोनी में ये छापा पड़ा। घर के अंदर अलमारी में बंडल बनाकर नोट रखे गए थे। इनकम टैक्स की टीम ने पीयूष जैन के बिजनेस से जुड़े दस्तावेज जब्त किए। इसके अलावा परिवार के सभी सदस्यों के मोबाइल भी जब्त कर लिए गए। और ये बड़ी खबर, योगी सरकार का बड़ा ऐलान, यूपी के युवाओं को फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट के साथ मिलेगी मुफ्त पढ़ाई। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सूबे के युवाओं को बड़ा तोहफा देते हुए फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट तो देगी ही, इसी के साथ फ्री पढ़ाई की भी सुविधा दी जाएगी। प्रदेश के लाखों स्टूडेंट्स को मल्टीनेशनल कंपनी इंफोसिस की ओर से ये सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसको लेकर शासन और कंपनी के बीच में MOU साइन कर लिया गया है। माना जा रहा है कि इससे प्रदेश के छात्र छात्राओं को पढ़ाई में और अपना करियर बनाने में मदद मिलेगी। दरअसल इंफोसिस एक टेक्निकल इंडस्ट्री पार्टनर के तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार के साथ काम करेगी। बताया जा रहा है कि इससे स्प्रिंग बोर्ड प्लेटफॉर्म पर 3900 कोर्स और प्रोग्राम हैं। अब ये कंटेंट सब्जेक्ट के हिसाब से स्टूडेंट्स के फोन और टैबलेट पर ऑनलाइन अवेलेबल किया जाएगा। इतना ही नहीं, एक ऐसी फोन ऐप भी तैयार की जा रही है जिसमें हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, मेडिकल एजुकेशन, पैरामेडिकल, MSME और दिव्यांगजन कल्याण विभाग स्टडी मटेरियल तैयार करेगा। इस ऐप का नाम डिजी शक्ति होगा। आपको बता दें कि फिलहाल 25 दिसंबर को योगी सरकार स्मार्टफोन और टैबलेट मुफ्त में उपलब्ध कराएगी। और ये बड़ी खबर, चुनाव से पहले किसानों के लिए बड़ा ऐलान, 2 लाख रुपए तक का कर्ज हुआ माफ। ये आपको बता दें कि अगले साल पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। पंजाब सरकार ने किसानों की कर्ज माफी की घोषणा कर दी है और बताया है कि जिन किसानों का क्रॉप लोन है उसे माफ किया जाएगा। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बताया कि जिन किसानों के पास 5 एकड़ से कम जमीन है उनके 2-2 लाख रुपए तक के क्रॉप लोन माफ कर दिए जाएंगे। इसके साथ भूमिहीन मजदूरों के कर्ज भी माफ होंगे। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार कर्जदार किसानों के खातों में 2000 करोड़ रुपए जमा करवाएगी। ये रकम अगले 10 से 15 दिन में पहुंच जाएगी। और ये बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी ने BJP पर बोला जोरदार हमला, कहा किसानों और युवाओं को छल रही BJP सरकार। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के महासचिव कमाल अख्तर ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह किसानों को राजनीति के केंद्र में लेकर आए थे। सपा नेता ने कहा कि वर्तमान सरकार को अगर
उनके संदेश याद आते तो आज किसानों को इतना दंश झेलना नहीं पड़ता। कमाल अख्तर ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसानों और युवाओं के साथ में छल की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में युवा किसान इस छल का बदला लेकर राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनाएंगे। सपा नेता ने कहा कि जनता ने देख लिया है, भारतीय जनता पार्टी केवल झूठे वादे और आश्वासन देती है। उन्होंने कहा कि कृषि की उपेक्षा से आर्थिक संकट उत्पन्न हो रहा है। सपा नेता ने कहा कि रोजगार का संकट है और खेती को लेकर सरकारी नीतियां स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि आज देश आज जिन समस्याओं से जूझ रहा है उनका समाधान चौधरी साहब की नीतियों में पाया जा सकता है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। और भी बड़ी खबर, सपा नेता किरणमय नंदा ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला, कहा दो अंकों में सिमट जाएगी भाजपा। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आगामी 2022 के चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों में हलचल है। सभी दल अपनी अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार में लगे हैं। रामपुर में गद्दावर नेता आजम खान की गैर मौजूदगी में पार्टी को मजबूती देने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा संगठन समीक्षा करने रामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी द्वारा मुरादाबाद मंडल की 27 सीटों पर आगामी चुनाव में 27 सीट आने की बात कही। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और योगी पर भी तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि 2017 में धोखा देकर झूठे वादे करके बीजेपी सत्ता में आई थी और अब वो ध्रुवीकरण से राजनीति करना चाहते हैं। जनता भ्रमित नहीं होगी, जनता में बहुत आक्रोश है। ये चुनाव जनता का चुनाव है। जनता ने निर्णय ले लिया है कि समाजवादी पार्टी को भारी बहुमत से जिताएंगे। अखिलेश यादव तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। और बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बड़ा ऐलान, बोले बीजेपी सांसद वरुण गांधी पर होगी बड़ी कार्यवाही। ये आपको बता दें कि पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी आजकल अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इसे देखते हुए अब पार्टी उनके खिलाफ कार्यवाही का मन बना रही है। वरुण का मामला बीजेपी की अनुशासन समिति को भेजा गया है। केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता अर्जुन मेघवाल पीलीभीत में थे। वहां उन्होंने कहा कि वरुण गांधी का मामला पार्टी के ध्यान में है, अनुशासन समिति इस पर कार्यवाही करेगी। मेघवाल ने कहा कि वरुण गांधी जो भी बयान दे रहे हैं वो अनुशासन समिति की नजर में है। वरुण गांधी पर निश्चित ही कार्यवाही होगी। अर्जुन मेघवाल उत्तर प्रदेश में ब्रज क्षेत्र के चुनाव प्रभारी हैं। वरुण गांधी का संसदीय क्षेत्र पीलीभीत ब्रज क्षेत्र में ही आता है। आपको बता दें कि वरुण गांधी काफी समय से लगातार बीजेपी के खिलाफ बयान दे रहे हैं और अब वरुण गांधी पर कार्यवाही होना तय है। और बड़ी खबर, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर बोला जोरदार हमला, बोले अगर 2017 में बीजेपी की जगह सपा सरकार आती तो कश्मीरी आतंकी यूपी में बना लेते ठिकाना। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से पहले सूबे में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए केपी मौर्य ने कहा कि अगर 2017 में समाजवादी सरकार वापस आ जाती तो जम्मू कश्मीर के आतंकी यूपी में आ जाते और उत्तर प्रदेश खाली होने की स्थिति में आ जाता। बागपत के कस्बा बड़ौत में आयोजित हुई बीजेपी की जनविश्वास रैली में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे थे। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, मैं आज इस मंच से पहली बार कह रहा हूं कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार 2017 में उत्तर प्रदेश में वापस आ जाती तो जम्मू कश्मीर आतंकवाद फैलाने वाले आतंकवादी और वे पाकिस्तानी आतंकवादी जिनको हमारे बहादुर सैनिकों ने सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक करके सबक सिखाया था उन्हें यूपी में ठिकाना उपलब्ध करा दिया जाता। अगर वर्ष 2014 व 2019 में केंद्र में और 2017 में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं बनती तो जम्मू कश्मीर के आतंकवादी यूपी में आ जाते, तब हम जैसों को पलायन कर यूपी खाली करना पड़ता। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।